ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। 100 परेशानियों का एक हल। अगर आपके घर पर या आपके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, कोई काम हमारे नहीं बन रहे, एक अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, हमारे घर में तनाव चलता है, पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, आपकी कोई भी परेशानी हो, 100 परेशानी आपकी क्यों ना हो, उन परेशानियों का एक उपाय है। इस उपाय को आप कर लें और आपको बहुत ही कम समय में, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको बहुत कम समय में इन सभी परेशानियों से निजात ज़रूर मिल जाएगी। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर महादेव लिख दे, जय शिव शंभू लिख दे, लेकिन कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों, उसका फीस लागू है। आपको सबसे पहले तो उपाय पे ये करना है कि रेगुलर शिव जी का जल अभिषेक करना है। ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ उससे पहले ये चीज़ें तो आपको करनी ही हैं, तभी आप उस उपाय का फ़ायदा ले पाएंगे। रेगुलर शिव जी को जल अभिषेक करें और इत्र आपको रेगुलर चढ़ाना ही है जब तक आपकी समस्या से आप लड़ रहे हैं। दूसरा है मंत्र जप। आपको मंत्र जप तो करना ही होगा, स्वयं को मंत्र जप करना होगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, जो आपकी इष्ट देवी देवता उनका जप आपको करना ही है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जिसे आपको करना है, आप एक काले कपड़े में काली मिट्टी लें जो आसानी से मिल जाएगी आपको, उस मिट्टी को अपने घर में रखें और उस पोटली के सामने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप 7 दिनों में कर ले, आपकी जैसी इच्छा हो उतने दिनों में कर ले, और उसके बाद 100 बार होने के बाद किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। आप इस उपाय को करेंगे, आपकी सब परेशानियों का समाधान आपको